जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। क्या वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है? जीडीपी गिरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज बाजार में डिमांड ही खत्म हो गई है। उपभोक्ता वस्तुओं की मांग का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक गिरावट में चला गया, यानी कंज्यूमर की कोई मांग ही नहीं है। और जब डिमांड लगी हो तो सप्लाई कैसे होगी? यही वजह है कि कारखानों में ताले लग रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बिजनेस ठप हो रहे हैं और धीरे धीरे आर्थिक निराशा का माहौल बनता चला जा रहा है। आज जो आंकड़े आए हैं उनमें ये बताया गया कि लगभग सभी सेक्टर पर रिजल्ट शून्य है, यानी आप भले ही खनन की बात करें या फिर मैन्युफैक्चरिंग की, इलेक्ट्रिसिटी की, कंस्ट्रक्शन और ट्रेड सर्विस की, सभी दूर रिजल्ट ही गिरावट वाला है। अब कंस्ट्रक्शन की बात लें, पिछली तिमाही में ये 5.7 था पर अब घटकर ये 3.3 रह गया, यानी 2.4 का अंतर आ गया है। इसका सीधा सीधा असर होगा काम करने वाले मजदूरों पर और सीमेंट, रेती, सरिया सप्लाई करने वाले उद्योगों पर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं तो फिर मजदूर को काम कैसे मिलेगा, रेती, सीमेंट, सरिया कैसे बिकेंगे। मैन्युफैक्चरिंग की हालत ख़राब हो गई है, पिछली तिमाही में 0.6% थी जो अब घटकर 1.0% रह गई है, यानी सबसे निराशाजनक प्रदर्शन इसी में रहा। इस सेक्टर की ग्रोथ नेगेटिव में चली गई है जबकि पिछले साल इसी तिमाही में दर 6.9% थी। अब मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ नेगेटिव में जाने का अर्थ ये है कि कारखाना का माल बिक ही नहीं रहा। कारखानों में माल बनकर तैयार है लेकिन खरीदार नहीं है, इसलिए कारखानों से लोगों को हटाना पड़ रहा है, माल का स्टॉक करना पड़ रहा है। यदि इसी तरह से माल का स्टॉक होता रहा तो फिर कारखानों में ताले डालने की नौबत आ जाएगी। आइए हम आपको बताते हैं कि ट्रेड सर्विस पिछली तिमाही में 7.1% थी जो अब घटकर 4.8% हो गई है। ट्रेड सर्विस की ग्रोथ घटने का अर्थ ये है कि व्यापारिक कामकाज में उठाव समाप्त हो गया है, यानी माहौल पूरी तरह से ठंडा है, व्यापारिक गतिविधियां सुस्त पड़ी हैं और व्यापार के माध्यम से जो पैसा कमाया जाता था उसमें भी खासी कमी आई है। पिछले दिनों ही ये बात चली थी कि पार्ले जी बिस्किट नहीं बिक रहे हैं, अंडरवियर और बनियान तक की बिक्री घट गई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज संकट के दौर से गुजर रही है, ये सब व्यापारिक गतिविधियाँ सुस्त पड़ने के संकेत हैं। अब सवाल इस बात का है कि लगातार जीडीपी घटने का आम आदमी का क्या प्रभाव होगा। अर्थशास्त्रियों की माने तो हमारे देश में विकास दर यदि 1% कम होती है तो प्रति व्यक्ति की मासिक आय 105 घट जाती है और ग्रोथ रेट 5% से 4.5 पर आने का मतलब है कि प्रति व्यक्ति की आय हर महीने 53 घट गई। अर्थशास्त्री कहते हैं कि अभी भारत में 32 दैनिक खर्च करने वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 10 साल में गरीबों की संख्या 20% घटी है। अब प्रति व्यक्ति आय घटने के कारण ये प्रक्रिया धीमी हो गई है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि आय घटने से माल का उठाव कम होगा, कम होने से उत्पाद घटेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योगों में नई भर्तियों पर असर पड़ेगा, यानी बेरोजगारी बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.